हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मेंसुरेशन क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, तो आइए उसी से संबंधित कुछ और प्रश्नों को करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तब उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कैसे निकालेंगे? यानी भुजा की लंबाई कैसे निकलता है? एक बटे दो करड़ी में डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। डी वन क्या है? समचतुर्भुज का यह पहला विकर्ण है और डी टू का मतलब समचतुर्भुज का यह दूसरा विकर्ण है। तो यहाँ पे जो D1 दिया हुआ है, D1 हमारा कितना है भाई? 12 है और D2 कितना है? 16 है। तो यहाँ रख लेते हैं, कितना आ जाएगा? एक बटे दो D1 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? एक बटे दो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे ये होगा 256। ये कितना हो जाएगा? एक बटे दो 256 में 144 जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका? 400। ये कितना आ जाएगा? एक बटे दो, और 400 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 20। काट देंगे कितना आ जाएगा? 10। यानी ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात पूछा जा रहा है। यानी ये जो रेशियो दिया है किसमें दिया है? क्षेत्रफल में दिया है। पूछा जा रहा है उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो मान लेते हैं कि पहले वाले का परिमाप P1 है, दूसरे का क्या है? P2 है। कैसे निकलेगा? करड़ी में A1/A2 यानी पहले वाले का वर्गमूल निकालेंगे और दूसरे वाले का। कितना हो जाएगा? पहले वाले का क्षेत्रफल दिया है 9 और दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1। कितना आ जाएगा? 9 का वर्गमूल हो गया 3 और 1 का वर्गमूल 1। यानी इनके परिमापों में जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 3:1 होगा। यानी जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और परिमापों का अनुपात पूछा जाए तो हम क्या कर लेंगे? उसी का वर्गमूल निकाल लेंगे। 9 का वर्गमूल सीधे सीधे 3 और 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, तब उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? क्या पूछा जा रहा है? परिमाप कितना होगा? क्या करेंगे? पहले तो इसको हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं। भुजा कैसे ज्ञात करते हैं? भुजा ज्ञात करते हैं एक बटे दो करड़ी में डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। डी वन क्या है? पहला विकर्ण है। डी टू क्या है? दूसरा विकर्ण है। यहाँ से लिखेंगे एक बटे दो डी वन का स्क्वायर। डी वन कितना है? 24 है और डी टू कितना है? 32 है। यानी 24 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 32 का स्क्वायर। ठीक, कितना होगा? यहाँ लिखते हैं एक बटे दो करड़ी में 24 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 576, 32 का करेंगे 1024 आएगा। कितना आएगा? 1024। जोड़ लेते हैं कितना आएगा ये? एक बटे दो 4 को 6 में जोड़ेंगे ये 10 हो जाएगा, 2 7 9 ये भी एक 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 5 15 1 16, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? एक बटे दो 1600 का जो वर्गमूल होगा, चूँकि 16 का तो होता है 4 और 00 का है तो ठीक है ना 10, यानी कितना हो जाएगा? 40। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये जो 20 होगा ये तो भुजा की लंबाई हो गई। पूछा जा रहा है समचतुर्भुज का परिमाप पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? परिमाप। और समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी एक भुजा की लंबाई 4 है, अरे सॉरी कितनी है? 20 है। तो इसका परिमाप कितना होगा? यानी इसका जो परिमाप होगा हम कह सकते हैं 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे 20 बराबर कितना? 80 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया है 580 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हो तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है कितनी होगी। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और दो भुजाएं क्या होती हैं? नॉन पैरेलल होती हैं। यानी कुछ इस टाइप का होगा। ठीक, ये हमारा क्या है? एक समांतर क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। दो क्या होती हैं? नॉन पैरेलल। और ये दो भुजाएं क्या हैं? नॉन पैरेलल हैं। ए बी सी डी क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है
ये भुजा 30 है और ये क्या है, एक भुजा कितनी है, ये 28 है। इसकी जो समांतर भुजाएं हैं यही दोनों पैरेलल भुजाएं हैं, तो एक 30 दिया है, दूसरी वाली 28 दिया है। पूछ रहा है कि ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक ना, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं एच है, तो वही हमें एच पता करना कितना होगा। तो हम जानते हैं समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2, ठीक। समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं, यानी ए बी प्लस सी डी और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इंटू एच। क्या करना है, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 जो पैरेलल भुजाएं हैं उनको ऐड करते हैं और इनके बीच की जो दूरी है इंटू में एच। क्षेत्रफल हमें दिया है कितना है, 580, ये बराबर 1/2। समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं, 30 और 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 8 58 हो जाएगा और इंटू में एच। 58 से अगर आप इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इधर कर दें तो एच बराबर हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी इनके जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक आयत दिया है और ये आयत कहाँ, आयत है, और इस आयत में हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ ये जो वृत्त होगा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो बड़ा सा बड़ा जो वृत्त होगा इसका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, जितनी वृत्त जितना आयत की क्या होगी चौड़ाई होगी उसी के बराबर होगा। जैसे इसकी लंबाई कितनी दी गई है, इसकी जो लंबाई दी गई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर, ठीक। कहने का मतलब ये है कि ये जो वृत्त जो आयत का जो चौड़ाई होगा यहाँ पे क्या करेगा, वृत्त के व्यास का काम करेगा। यानी जो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास वो किसके बराबर होगा, आयत की चौड़ाई के बराबर, आयत की चौड़ाई। यानी हम कह सकते हैं जो व्यास होगा वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या इसकी कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी 14 में 2 से भाग देंगे 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है, त्रिज्या 7 है, ये भी 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 में यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जब हम क्या करेंगे, इस आयत में 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हमारा आएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर।